यार, दिल्ली के बाद यूपी की जिम्मेदारी। एक मिनट मैम, लाइव चल रही है, एक सेकंड रुको, स्टार्ट कर लीजिए। लाइव है मैम, आपका नाम अनाउंस हुआ है मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पे। लगातार इस बात की चर्चा चल रही थी, आप भी कह रही थी मैं यूपी की बहू हूँ, यूपी जाना चाहती हूँ, जिम्मेदारी मिलेगी, बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, लेकिन इससे पहले तो मैं अपनी हाई कमांड का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे पर विश्वास किया और ये जिम्मेदारी दी। मैं अब प्रार्थना यही करती हूँ कि मैं इस जिम्मेदारी के लायक बनूं और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बेहतर अपना जो रिजल्ट है वो होगा, उस पर मुझे पूरा विश्वास है कि अब अच्छा रिजल्ट आएगा। हम सब एकजुट होकर मेहनत करेंगे और कांग्रेस के लिए एक आवाज भी उठ रही है यूपी में कि अब की बार कांग्रेस को जरूर। शीला जी जिस तरह से आप दिल्ली में 15 साल चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन यूपी का सिनेरियो बिल्कुल अलग, चौथे पांचवें नंबर की आपकी पार्टी, ऐसे में आपके लिए चुनौतियां कितनी ज्यादा होगी उस प्रदर्शन को दोहराने की जो आपने दिल्ली में 3 बार दोहराया? देखिए, हर चुनाव चुनौती होता है, कोई बड़ी चुनौती होती है, कोई छोटी चुनौती होती है, और हर चुनौती एक जैसी नहीं होती, डिफरेंट होती है। चुनौती वाकई में आपने ठीक कहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनौती बहुत बड़ी है और दिल्ली से कहीं बड़ा प्रांत है, लेकिन हम हिम्मत से जाएंगे और इस विश्वास के साथ जा रहे हैं कि हम अवश्य अब की बार जीत करेंगे। देखिए, यूपी में 4 पार्टीज हैं, वहाँ पर समाजवादी है, मायावती जी की है, बीजेपी की है और हमारी है, तो वहाँ पर चारों से टक्कर है, तीनों से तो टक्कर। मैम, लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी, एक लंबा चौड़ा कमिटीज भी आज बताई गई है, लेकिन लगातार इस बात की चर्चा थी कि आपके साथ प्रियंका गांधी भी कैंपेन करेंगी। लोगों ने, कांग्रेस नेता ने, उत्तर प्रदेश से जो भी लोग आते हैं वो कहते हैं प्रियंका हमें कैंपेन में चाहिए। गुलाम नबी आजाद साहब ने भी कहा कि रायबरेली अमेठी से बाहर कैंपेन करें। अब आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, क्या आप चाहेंगी कि आपके साथ प्रियंका गांधी भी पूरे उत्तर प्रदेश में कैंपेन करें? बिल्कुल, वो एक बहुत ही प्रिय नेता है और उनका जो राजनीति का अंदाज है वो बहुत लोगों को पसंद है, तो मैं तो यही प्रार्थना उनसे भी करूंगी और ईश्वर से भी करूंगी कि वो जरूर कैंपेन करें, जब भी वो शुरू करना चाहती है। पहले यूपी, फिर दिल्ली, फिर यूपी का सफर कैसे देखती है? अच्छा है, एक्साइटिंग है। मैडम, एक ऐसे दिन आपको अनाउंस किया गया है सीएम कैंडिडेट जब एसीबी ने आपको समन किया है, तो इस डेवलपमेंट मेरे पास इस वक्त कोई समन नहीं आया है अभी एसीबी का। और दूसरी बात ये कर लीजिएगा कि जो एसीबी का मामला है वो करा जाएगा, कोई करप्शन नहीं है, ये मोटिवेटेड है। मोटिवेटेड मैं शुरू से कह रही हूँ और आज भी इसी को दोहराती हूँ कि सिर्फ मोटिवेटेड ये चार्जेस। लेकिन मैम, 3 बार में दिल्ली का नक्शा बदला, अगर मौका मिला तो क्या वही करिश्मा आप वहाँ भी दोहराएंगे या फिर? अब दिल्ली से 3 बार जब इलेक्ट हुई तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से मैं काम करती हूँ। यूपी में भी अगर जो मौका मिलेगा तो जरूर यही काम। एजेंडा क्या होगा? एजेंडा तो मैं जरा यूपी चली जाऊँ फिर आपको बताऊँ। आप कब जा रही हैं वैसे? अब आप जाएंगे?